हेलो फ्रेंड्स, तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारे मेल एंड फीमेल लीड के मैरिज का फोटोशूट हो रहा होता है और स्टार्टिंग में ही हमें बताया जाता है हमारे फीमेल लीड जिसका नाम हरुता होता है, कुछ महीनों पहले ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका एंगेजमेंट टूट गया था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। तो हरुता ने ही एंगेजमेंट तोड़ दिया, लेकिन क्योंकि उनका 5 सालों का रिलेशनशिप था तो इस वजह से हरुता इस डिप्रेशन से नहीं निकल पा रही थी। एक दिन वो अपने एक्स का फोटो देख देख कर उसे काफी मिस कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक डेटिंग ऐप का नोटिफिकेशन आता है, तो वो उस ऐप को ओपन करती है जहां उसे एक विदाउट प्रोफाइल फोटो वाला अकाउंट दिखता है जिसमें लिखा रहता है उम्र 27 साल, मेल, और मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे मिलते ही शादी कर ले, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड म्यूरा होता है। अब क्योंकि हरुता को अपने डिप्रेशन से निकलना था, इसलिए वह सोचती है क्या फर्क पड़ता है किसी से भी शादी हो, मुझे तो बस इस सिचुएशन से बाहर आना है। और इसलिए हरुता एंड म्यूरा फर्स्ट मीटिंग के बाद ही शादी कर लेते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के बारे कुछ भी नहीं जानते। जब मैरिज फोटोशूट होता है तब कैमरामैन म्यूरा से कहता है कि ब्राइडल को फोरहेड किस करे, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं तो एक फोरहेड किस करना भी उनके लिए काफी मुश्किल रहता है। इसके बाद दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या बातें करें। यहाँ हरुता उसे रीजन बताती है कि उसने ये शादी क्यों करा, तो म्यूरा कहता है बेटर होगा अगर तुम इसे एक फ्रेश स्टार्ट की तरह सोचो, क्योंकि एटलीस्ट तुमने किसी धोखेबाज से तो शादी नहीं करी, इसलिए गिल्ट फील मत करो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मैं कभी हर्ट ना करूं। हरुता थोड़ी खुश होती है और कहती है बिल्कुल, और जल्द ही हमें तुम्हारी मम्मी से भी मिल लेना चाहिए। म्यूरा हिचकिचाते हुए हाँ कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हरुता जब उठती है तो म्यूरा ऑलरेडी ऑफिस के लिए तैयार हो चुका होता है। हरुता कहती है मैं कुछ ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, तो म्यूरा कहता है नहीं मैं कुछ ब्रेड्स लेके आया हूँ, मुझे तुम्हारा पसंद पता नहीं था इसलिए मैंने रेंडमली कुछ फ्लेवर्स लेके आया हूँ। ये सुनकर हरुता को काफी अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट के बाद म्यूरा ऑफिस के लिए निकल जाता है। हरुता सोचती है क्या ऑफिस जाते वक्त गेट तक इसके साथ निकलना चाहिए था, हम तो एक दूसरे के बारे कुछ जानते भी नहीं है, कहाँ काम करते हैं ये भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन हरुता अपने ऑफिस में होती है जहाँ उसका एक कलीग्स उसे कहता है मेरे लिए ये खुशी का बात है कि तुम्हारा एंगेजमेंट टूट गया, एटलीस्ट मुझे एक चांस तो मिला। हरुता सोचती है ये तो मेरे एक्स का बात कर रहा है, इसे तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मैंने किसी और से शादी कर लिया है। तभी वह कलीग्स उसे डिनर के लिए ऑफर करता है, पर हरुता मना कर देती है कि आज उसे घर जल्दी जाना है। नेक्स्ट सीन वह एक शॉप पर कॉफी मग चूज कर रही होती है। वह सोचती है सिर्फ खुद के लिए तो नहीं ले सकती, उसके लिए भी एक लेना होगा, लेकिन सेम कॉफी मग भी नहीं ले सकती। तभी वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। हरुता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी वहाँ म्यूरा आता है और हरुता के एक्स से कहता है मेरी बीवी से दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे धोखेबाज जितना दूर रहे उतना अच्छा है। वैसे तो यहाँ उसका एक्स ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हरुता को शादी का कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के चला जाता है। म्यूरा हरुता से कहता है अच्छा ठीक है मैं अब काम पर वापस जाता हूँ। इधर घर आकर खुशी खुशी वो डिनर रेडी करती है। म्यूरा जब घर आता है तो अपने साथ डिनर लेके आता है, लेकिन जब वो देखता है कि हरुता डिनर बना चुकी है तो वो अपना वाला रखते हुए कहता है इसे कल भी खाया जा सकता है। और फिर दोनों डिनर करते हैं। हरुता म्यूरा से अपने एक्स वाले मैटर पर थैंक यू कहती है, तो म्यूरा कहता है इतना तो कर ही सकता हूँ, आफ्टर ऑल अब मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ। हरुता उसे देखते हुए अंदर ही अंदर काफी खुश होती है कि उसे इतना अच्छा केयर करने वाला हस्बैंड मिला है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में लिफ्ट का वेट कर रही होती है। वो सोचती है आजकल मुझे क्या हो गया है, मैं सिर्फ म्यूरा के बारे ही क्यों सोचती हूँ। और तभी लिफ्ट ओपन होता है जहाँ अंदर म्यूरा भी होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं। असल में म्यूरा सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है और हरुता अकाउंट डिपार्टमेंट में। दोनों हंसते हैं। हरुता कहती है हमने तो एक दूसरे से पूछा तक नहीं कि हम कहाँ काम करते हैं। म्यूरा कहता है हाँ आजकल तो अरेंज मैरिज वालों को भी पता रहता है कि कौन कहाँ काम कर रहा है। अब उन्हें बातें करते हुए हरुता की कुछ कलीग्स देख लेती है। वे लोग उनके सामने जाती है और कहती है क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, तो म्यूरा बहाना बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। हरुता की कलीग्स उससे पूछती है क्या बात है,
तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी पे इंटरेस्ट नहीं आता था। और फिर वो लोग हरुता को बताती है कि कंपनी में यही तो वो बंदा है जो काफी हैंडसम, फेमस और हार्ड वर्किंग है। कंपनी में आते ही इसने बेस्ट सेल्समैन का पोजीशन जीता है और तब से इस पोजीशन को बनाए रखे है। इसे तो हर कोई पसंद करता है। हरुता सोचती है जब इन्हें पता चलेगा कि वो मेरा हस्बैंड है तो ये लोग कितना ज्यादा सॉफ्ट होगी। ऑफिस में जब सब वर्क कर रहे होते हैं तो यामागाटा नाम का एक कलीग्स हरुता से फ्लर्ट करता है। तभी एक और कलीग सबको बताती है कि अभी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेसिडेंट लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि ये अवार्ड म्यूरा को मिलता है, जो अवार्ड का क्रेडिट खुद न लेते हुए पूरे टीम को देता है। हरुता सोचती है कितना हार्ड वर्किंग है और कितना हम्बल भी है। नेक्स्ट दिन हरुता अपना बॉडी मसाज करवा रही होती है। यहाँ वो लड़का कहता है कि आजकल क्या चल रहा है, लगता है तुम प्यार में हो। तो हरुता कहती है तुम ये सब बस मुझे छू के ही बता सकते हो। तो वो कहता है हाँ एकदम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बारे। हालांकि यहाँ हरुता उसके बातों को माइंड नहीं करती है। अगले सीन हरुता रास्ते में खड़ा होकर गूगल मैप कर रही होती है। म्यूरा उसे देखकर अपना गाड़ी रोकता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने ही घर का रास्ता भूल गई हो। हरुता कहती है एक्चुअली मुझे रास्ते याद नहीं रहते, मैं मार्केट में उतरी थी और फिर रास्ता भूल गई। यहाँ हरुता पूछती है क्या हमारे शादी का बात ऑफिस में सबको बताना चाहिए। तो म्यूरा कहता है अभी इसे दूसरों को नहीं बताना ही ठीक रहेगा। हरुता सोचती है कंपनी में इतना फेमस होने के बाद भी इसने डेटिंग ऐप के थ्रू अचानक शादी क्यों करा। पर जो भी हो, मैं चाहती हूँ ये मुझे पसंद करने लगे और वो मुझे पसंद करे इसके लिए मुझे जाल बिछाना होगा। वो अपने शॉर्ट्स नाइट ड्रेस पहने म्यूरा का वेट करती है। जब वो नहा के निकलता है तो हरुता उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। जब वो बियर का बोतल उसे देते हुए उसके सामने बैठने खोजती है तो म्यूरा उसे दूर होकर बैठ जाता है। हरुता सोचती है सामने बैठता तो बेटर इम्प्रेशन जमा पाते। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। म्यूरा उसे कहता है पीने के लिए मेरे स्पीड से मैच करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो अपने आप को फोर्स करने का जरूरत नहीं है। हरुता सोचती है ये कितना ज्यादा क्यूट है और फिर अपना अगला प्लान अप्लाई करती है। वह कहती है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रहा है। तो म्यूरा कहता है तुमने शॉर्ट्स पहन रखा है इसलिए तुम्हें ठंड लग रहा है। फिर वह उसे एक चादर ओढ़ाता है। तो हरुता कहती है नहीं अभी नहीं, जब हम लोग सोएंगे तो मैं ले लूंगी। म्यूरा उसके करीब आते हुए कहता है कहीं तुम ये तो नहीं चाहती ना कि हम दोनों साथ में सोएं। हरुता सोचती है अब क्या ये भी मैं ही कहूँ। लेकिन तभी म्यूरा कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, चुपचाप से अपने बेड पर जाकर सो जाओ। हरुता सोचती है इसने तो मना कर दिया। फिर म्यूरा उसे थोड़ा और क्लोज होता है और कहता है मुझसे ये सब बातें तभी करना जब तुम सच में मुझे पसंद करने लगोगे। हरुता सोचती है अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो मैं तुमसे ये सब बातें नहीं करती। फिर म्यूरा कहता है ऐसे मेरे तरफ देखते रहोगे तो कैसे चलेगा। और फिर वो उसे किस करता है और कहता है चलो अब सो जाओ। हरुता सोचती है बस एक ही किस। तो म्यूरा कहता है अभी क्या कहा तुमने। हरुता कहती है कुछ भी तो नहीं। और सोचती है ये तो मुझे टीज कर रहा है। नेक्स्ट डे दोनों ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। यहाँ हरुता कहती है साथ में ऑफिस चलते हैं। पर म्यूरा कहता है ऐसे में सबको पता चल जाएगा और ये कहकर वो निकल जाता है। हरुता सोचती है ये तो टू मच हो गया, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो ऑफिस आ जाती है। वो थोड़ा लोनली फील करती है इसलिए म्यूरा के डिपार्टमेंट आती है। म्यूरा उसे दीवार से पिन करता है और कहता है क्या है ये सब, तुम्हें पता है ना हम लोग ऑफिस में हैं। तो हरुता कहती है अच्छा तो फिर मैं चली जाती हूँ। तब म्यूरा उसे रोकता है और वापस से दीवार में पिन करता है और पूछता है क्या काम है बताओ। तो हरुता कहती है कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना था। और सोचती है ये हुआ ना मेरा क्यूट सवार। लेकिन ये क्या, म्यूरा तो एकदम कोल्ड हार्टेड निकला। वो कहता है शाम में मेरा एक पार्सल आएगा तो तुम उसे रिसीव करके कन्फर्म कर लेना। फिर हरुता चली जाती है और यहाँ म्यूरा के फेस में स्माइल रहता है। लेकिन ये सब सिनेरियो उसका एक फ्रेंड देख लेता है। वो म्यूरा से कहता है इस तरह ऑफिस में तुम्हें पहली बार फ्लर्टिंग करते हुए देख रहा हूँ, दूसरों को पता चलेगा तो दिक्कत हो सकता है। म्यूरा उसे कहता है एडवाइस देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट दिन जब हरुता पार्सल खोलती है तो उसमें कंडोम का पैकेट होता है। वो सोचती है अच्छा तो इसी वजह से कल रात वो रुक गया था, कितना बदमाश है जो ये भी मुझसे ही खुलवा कर आया। लेकिन मुझे लगता है मैं कम्प्लीटली उसे पसंद करने लग गई हूँ। क्या वो भी मुझे पसंद करता है, कैसे पता करो कि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं। हमने किस करा पर मेरे पैतरे काम नहीं कर रहे, शायद वो मुझे बस टीज कर रहा है, वो मजे लेता है मेरा रिएक्शन देखकर। और ऐसा सोचते हुए वो कंडोम फेंकने वाली होती है लेकिन नहीं फेंकती है
और रख देती है और सोचती है वो मुझे पसंद करे इसके लिए पहले मुझे अपना बेस्ट करना होगा। और फिर वो कहती है पहले तो कुछ अच्छा सा डिनर रेडी करती हूँ। पर वो देखती है कि म्यूरा ने तो सुबह ही उसके लिए चिकन बना के रख दिया है। वो सोचती है इतना परफेक्ट हस्बैंड। फिर वो म्यूरा को मैसेज करती है कि मैं खाना गर्म करके रखूंगी। तो म्यूरा रिप्लाई करता है तुम खा लेना मेरा लेट होगा। हरुता सोचती है कितना हार्ड वर्किंग पर्सन है, मुझे तो उसके काम के बारे कोई आइडिया भी नहीं है। नेक्स्ट दिन उसका आँख खुलता है जहाँ म्यूरा ऑफिस से आ चुका होता है और यहाँ भी आके वो काम ही कर रहा होता है। वो सोचती है कितना हार्ड वर्किंग इंसान है, घर के कामों में तो परफेक्ट है ही, इवन ऑफिस वर्क में भी कितना परफेक्ट है। और इधर म्यूरा को भी पता चल जाता है कि उसका नीट टूट चुका है, पर फिर भी वो सोने का प्रिटेंड कर रही है। वो उसके सामने जाता है और इधर हरुता अंदर ही अंदर सोचती है ओ नो, अब ये क्या करने वाला है, कहीं फिर से तो किस नहीं करने वाला। लेकिन म्यूरा उसे कुछ नहीं करता। हरुता शॉक्ड होती है कि कुछ नहीं किया और कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सोने का प्रिटेंड कर रही हूँ। तो म्यूरा कहता है तुम प्रिटेंड कर ही क्यों रही हो। तो हरुता कहती है मैं तो बस तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें कैप्चर कर सकूं। म्यूरा कहता है कैप्चर कर रही हो ऐसा क्यों। तो वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। म्यूरा मुस्कुराते हुए कहता है तुम तो बड़ी चालाक हो। तो हरुता कहती है नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि तुम बस मुझे ऐसे ही पसंद करने लगो, मैं काफी हार्ड वर्क करूंगी, सो मुझे और ज्यादा चालाक बनने का जरूरत है जिससे तुम मुझे पसंद करने लगो। म्यूरा कहता है ठीक है, फिर तो मैं कैप्चर होने के लिए रेडी हूँ। और वो उसे किस करता है, फिर वापस से अपना काम करने लग जाता है। हरुता ये सोचते हुए वहाँ से चली जाती है कि इस तरह मैं नहीं हार सकती, मैं तुम्हें ये कहलवा के रहूंगी कि तुम मुझे पसंद करते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग म्यूरा हरुता को जगाता है, लेकिन वो काफी शॉक्ड होते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे बिना मेकअप के नहीं देख सकते, मैं चाहती हूँ मैं जिसे पसंद करती हूँ उसके सामने सबसे क्यूट दिखूं। तब म्यूरा भी उसके ब्लैंकेट में घुस जाता है और उसे किस करता है। तो हरुता कहती है तुम मुझे ऐसे सिचुएशन में किस कैसे कर सकते हो। तो म्यूरा कहता है क्योंकि हमारा साथी हो चुका है और अगर तुम ऐसे ही नौटंकी करती रही ना तो तुम मुझे कभी कैप्चर नहीं कर पाओगी। वो फिर कहता है अच्छा चलो उठो, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। नेक्स्ट दिन वो ऑफिस के लिए तैयार होती है और सोचती है सुबह तो उसने बाजी मार लिया लेकिन अब मेरा बारी। वो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस रहती है कि अब तो उसका क्यूटनेस म्यूरा को ये कहलवा के रहेगा कि वो मुझे पसंद करता है। पर ये क्या, म्यूरा तो उसे बिना कुछ कहे ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। हरुता सोचती है कितना टफ इंसान है ये। और इधर बाहर निकलकर म्यूरा स्माइल करता है। ऑफिस आने पर वो यही सोच रही होती है कि मेरा साथी पैत्रा म्यूरा पर वर्क क्यों नहीं कर रहा। और वो देखती है कि म्यूरा एक क्लाइंट से बातें कर रहा है। हरुता काफी एक्साइटेड होकर दोनों के पास जाती है और कहती है मिस ओकाजाकी जी आप यहाँ। तो वो कहती है अच्छा तो तुम यहाँ काम करती हो। उन दोनों को बातें करता देख म्यूरा काफी सॉफ्ट होता है। वो पूछता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। जहाँ हरुता बताती है हाँ हम लोग एक रात पार्टी में मिले थे और रात भर बातें करी थी हम दोनों ने। इसके बाद म्यूरा ओकाजाकी से कहता है कि मैं सब कुछ होरी को हैंडओवर कर रहा हूँ, आगे का प्रोसेसर आप हैंडल कर लेना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। हरुता म्यूरा से कहती है वाह क्या सरप्राइज है, ये हमारी कंपनी की क्लाइंट है। तो म्यूरा कहता है ये तो मेरा लाइन होना चाहिए और तुम तो अब अपना सातिरगिरी फीमेल क्लाइंट पर भी यूज करने लग गई हो। वो कहती है हम दोनों दोस्त है बस। तो म्यूरा कहता है आगे से अपना सातिरगिरी दूसरों पर यूज मत करना। नेक्स्ट दिन होरी उसके पास आता है और कहता है तुम्हें मीट पसंद है क्या। तो हरुता कहती है हाँ बिल्कुल। होरी कहता है तो चलो खाने चलते हैं, मैंने एक नया रेस्टोरेंट देखा है। हरुता कहती है हाँ मजा आएगा अगर हम सब साथ में जाएंगे। होरी कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। और तभी उसका कॉल आता है। एक और कलीग्स हरुता से कहता है तुम तो इसे अच्छा खासा इग्नोर कर रही हो। और इधर होरी फोन पर मीटिंग का कोई डेट फिक्स करता है, फिर हरुता से बातें कंटिन्यू करता है। तभी म्यूरा वहाँ आता है और होरी को अपना काम करने बोलता है। हरुता सोचती है क्या ये जेलस हो रहा था। घर आने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो वो कहता है मैंने कहा था ना अपना सातिरगिरी दूसरों पे यूज मत करना। हरुता खुश होते हुए कहती है क्या तुम्हें जलन हो रही है। म्यूरा कहता है ज्यादा खुश मत हो और ज्यादा पॉपुलर बनने का कोशिश मत करो। तो वो कहती है मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती। तो वो कहता है हाँ लेकिन सामने वाला को गलतफहमी हो सकता है ना, इसलिए आज से तुम्हारे सातिरगिरी पर बैन लगाया जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में हरुता म्यूरा को खोजते खोजते उसके डिपार्टमेंट जाती है कि कल रात तो बड़ी सैड सैड था, पता नहीं आज कैसा मूड है। तभी हरुता को देखकर होरी उसके पास आता है और कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आई हो। इससे पहले कि हरुता कुछ कहती होरी को एक कॉल आता है और अब वो काफी परेशान दिखता है।
क्योंकि उसने आज ही के दिन गलती से दो दो मीटिंग रख लिया था। तब म्यूरा उसके पास आता है और कहता है, गलती सबसे होता है लेकिन हमें दिल से काम करना चाहिए, तो तुम उस मीटिंग का तैयारी करो जिसका रिप्रेजेंटेशन तुमने बना लिया है, बाकी मैं हैंडल करता हूँ। हरुता सोचती है इसे होरी का गलती पता चला, लेकिन फिर भी ये उसका हेल्प कर रहा है, कितना अच्छा है, काश मैं भी म्यूरा का कुछ हेल्प कर पाती। और फिर जब उसे पता चलता है कि म्यूरा जिस मीटिंग को रिप्रेजेंट करेगा उसमें ओकाजाकी भी होगी, तो वो म्यूरा को कुछ इटालियन कुकीज देते हुए कहती है, इसे ओकाजाकी को दे देना, उसने एक बार कहा था कि उसे ये पसंद है। म्यूरा उसे थैंक यू कहता है और चला जाता है। हरुता सोचती है, पता नहीं मैं इसे अपना अच्छा साइड दिखा भी पा रही हूँ कि नहीं। नेक्स्ट दिन म्यूरा घर आता है, उसके आते ही हरुता पूछती है कि ओकाजाकी के साथ मीटिंग कैसा रहा, तो म्यूरा कहता है, बढ़िया, हमने डील कंफर्म कर लिया और वो तुम्हारे कुकीज देकर काफी खुश हुई थी, मुझे पता नहीं था तुम्हारे ये साथी पत्र इतने यूजफुल हैं। तो हरुता कहती है, अब तो तुम मान गए ना कि मेरे साथी पत्र इतने बुरे भी नहीं है। म्यूरा कहता है, हाँ लेकिन मेरे अलावा दूसरों पर अप्लाई करने का परमिशन नहीं है तुम्हें। वो कहती है, तो क्या फायदा, मेरे साथीगिरी तो तुम पर काम ही नहीं करता। म्यूरा उसे सोफे पर पिन करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है काम नहीं करता। हरुता कहती है, क्या सच में काम करता है। तो म्यूरा कहता है, अपना ये क्यूट सा चेहरा तुम्हें दूसरों को दिखाने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो कहती है, एक मिनट, तुमने मुझे क्यूट कहा। म्यूरा कहता है, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ जब वो इस तरह का सातिर पैतरा मुझ पर अप्लाई करती है तो मुझे अच्छा लगता है। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे कैप्चर करना चाहती हो, पर मैं तो स्टार्टिंग से ही कैप्चर हो रहा था। फिर वो उसे आई लव यू कहता है। हरुता ये सुनकर काफी खुश होती है और फिर दोनों अपना स्वीट सा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हरुता म्यूरा को जगाती है। म्यूरा कहता है, क्या बात है, सुबह सुबह एकदम तैयार होके हो। तो वह कहती है, हाँ मैं जिसे प्यार करती हूँ उसके सामने क्यूट दिखना चाहती हूँ। म्यूरा कहता है, अच्छा तो मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो। तो वह कहती है, ये मेरा प्यार है, प्यार भरा नजर। वैसे तो यहाँ म्यूरा का कोई रिएक्शन नहीं होता है और वह चला जाता है। हरुता सोचती है, ये अभी भी कितना खड़ूस है। इधर बाहर निकलकर म्यूरा अपने आप को संभालते हुए सोचता है कि इस लड़की का सातिरपन इतना कातिलाना क्यों है। वो सोचता है, किसने सोचा था कि इतनी क्यूट लड़की मेरी वाइफ बनेगी। तभी उसके फोन पर उसकी मम्मी का मैसेज आता है और यहाँ म्यूरा सोचता है, आज नहीं तो कल उसे बताना ही होगा। इसके बाद जब वो ब्रेकफास्ट करने आता है तो ब्रेकफास्ट देकर कहता है, आज तो तुमने अपना सारा सातिरपन का ब्रेकफास्ट ही बना दिया है। सीरियसली, इस तरह की सातिर वाइफ होना तो वाकई किसी प्रॉब्लम से कम नहीं है। फिर वो उसे किस करता है। अगले सीन ऑफिस में हरुता म्यूरा को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के बाहर हूँ। कुछ देर में म्यूरा उसके पास आता है। एक्चुअली वह घर का चाबी घर में भूल गया था। हरुता कहती है, अगर हम लोग साथ में आना जाना करें तो दोनों को अलग अलग चाबी रखने का जरूरत नहीं होगा। म्यूरा कहता है, अच्छा। फिर वह चला जाता है। इधर यहाँ भी उसका वो फ्रेंड ये सिनेरियो देख लेता है। वह कहता है, वाह तो तुम लोग दोनों सेपरेटली आना जाना करते हो। हरुता ये सुनकर शॉक्ड होती है। फिर वो अपना इंट्रो देता है कि उसका नाम मात्सुशीता है। वो हरुता से कहता है, मैं और म्यूरा सेम स्कूल में पढ़े हैं, शायद तुम नहीं जानती हो। तो हरुता कहती है, नहीं। फिर म्यूरा का फ्रेंड कहता है, तो क्या तुम्हें म्यूरा के बारे सब कुछ जानना है। तो वो खुश होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। म्यूरा का फ्रेंड कहता है, ठीक है फिर मैं किसी दिन म्यूरा से कहकर तुम लोगों के घर आऊंगा। हरुता सोच रही होती है कि म्यूरा ने हमारे रिलेशनशिप को अपने फ्रेंड से नहीं छुपाया। तभी उसके कलीग्स आपस में बातें करती हैं कि क्या लगता है म्यूरा की कोई गर्लफ्रेंड होगी, अगर होगी तो वो उसका कितना केयर करता होगा। इधर हरुता सोचती है, तुम लोग दोनों ही गलत हो क्योंकि वो तो बड़ा ही मतलबी और कोल्ड हार्टेड है, लेकिन कभी कभी वो क्यूट भी है। उसकी कलीग्स अपना गॉसिप कंटिन्यू रखती है कि म्यूरा की गर्लफ्रेंड जरूर ही कोई मॉडलर या सक्सेसफुल करियर वूमेन होगी। और इधर हरुता सोचती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इन्हें बता पाऊंगी कि वो मेरा हस्बैंड है। तभी म्यूरा उनके डिपार्टमेंट आता है और कहता है, क्या कोई मेरे लिए इनवॉइस ड्राफ्ट बना सकता है। तो ये सुनकर सभी अपना हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन हरुता जल्दी से कहती है, मैं बना दूंगी। म्यूरा अपने साथ कुछ स्नैक्स लेके आता है तो देते हुए कहता है, ये आपस में आप लोग शेयर कर लीजिएगा। वहीं हरुता को अलग से कुछ देते हुए कहता है, ये मेरी बीवी के लिए। तभी उनके बीच यामागाटा आकर कहता है, हरुता मुझे तुमसे कुछ काम है। म्यूरा सोचता है, इसने तो हमारे बातचीत के बीच टांग अड़ा दिया। इसके बाद उनकी दोनों कलीग्स आकर उसे टीज करने लगती है कि लगता है तुम म्यूरा पर लाइन मार रही हो। हरुता कहती है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो दोनों कहती है, कोई नहीं लगे रहो। तभी यामागाटा हरुता से कहता है, क्या तुम्हारे बदले इनवॉइस मैं म्यूरा को दे आऊं। हरुता सोचती है, इनवॉइस तो मैं देना चाहती हूँ, पर अगर इसे मना कर दूंगी तो इन्हें डाउट होने लगेगा,
इसलिए वो हाँ बोल देती है। फिर यामागाटा म्यूरा को इनवॉइस देने जाता है। म्यूरा इरिटेट होकर सोचता है, अरे यार ये फिर से यहाँ भी। यामागाटा देने के बाद वहीं रुका रहता है। तो म्यूरा सोचता है अब इसे क्या चाहिए। फिर वो कहता है, हरुता को मेरे तरफ से थैंक यू कहना। नेक्स्ट दिन हरुता सोचती है, मुझे पता है इसे चिंता है कि ऑफिस में सब मेरे बारे बातें बनाएंगे, लेकिन क्या यही रीजन है कि ये हमारे शादी को सीक्रेट रखना चाहता है। और मैंने तो इसे कभी पूछा भी नहीं कि हम लोग जिस दिन मिले उसी दिन शादी क्यों किए। तभी म्यूरा का नींद खुलता है और वो कहता है, तुम अब तक जगी हो। फिर वो उसे किस करता है। हरुता सोचती है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुम फर्स्ट मीटिंग में ही शादी क्यों किए। इधर म्यूरा कहता है, क्या हुआ, किस काफ़ी नहीं है क्या। तो वो कहती है, नहीं मैं तो बस कडलिंग कर रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हरुता म्यूरा से चाह रही होती है कि वो उसे किस करे, पर म्यूरा तो ठहरा कोल्ड हार्टेड। वो कहता है, तुमने अपने स्क्रीन पर हमारे शादी का वॉलपेपर क्यों लगाया है, चलो चेंज करो। तो हरुता कहती है, तुम भी लगाओ ना प्लीज। म्यूरा कहता है, तुम कितना भी क्यूट क्यूट सा चेहरा बना के बोल लो, लेकिन मैं नहीं लगा सकता, ऑफिस में कोई देख लेगा तो सबको पता चल जाएगा। और यहाँ बेचारी हरुता को भी अपना वॉलपेपर चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट दिन हरुता अपना बॉडी मसाज करवा रही होती है। मसाज करने वाला वो लड़का कहता है, कुछ बात है क्या जो तुम्हें परेशान किए जा रहा है। हरुता कहती है, क्या ये मेरे बॉडी से पता चल रहा है, मैं तो कुछ छुपा भी नहीं पाती हूँ। तो वो मसाज वाला लड़का कहता है, क्योंकि तुम बहुत नेचुरल हो और क्यूट भी। नेक्स्ट दिन ऑफिस में म्यूरा लिफ्ट का वेट कर रहा होता है। तभी हरुता और यामागाटा आपस में बातें करते हुए आते हैं। यामागाटा कहता है, तुम बड़ी क्यूट हो, मुझे तुम्हारे साथ खाना शेयर करना पसंद है। अब जैसे ही यामागाटा के मुंह से हरुता के लिए क्यूट वर्ड म्यूरा सुनता है तो उसका कोल्ड हार्ट में आग सा लग जाता है। यामागाटा हरुता से पचर पचर करे जाता है और कहता है, अच्छा तुम मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में चलना चाहोगी, यहाँ का डेजर्ट काफी फेमस है। हरुता कहती है, नहीं रहने दो, मैं मोटी हो जाऊंगी। यामागाटा कहता है, तुम मोटी होगी तो और ज्यादा क्यूट लगोगी। और इधर उन दोनों को गपशप से म्यूरा को बड़ा ही जलसी होता है। हरुता भी सोचती है, कहीं ये कुछ गलत ना समझ ले। म्यूरा सोचता है, इसका नाम यामागाटा है, कहीं ये मुझे जलाने के लिए तो इतना बातें नहीं कर रहा। इसके बाद म्यूरा हरुता को मैसेज करता है कि तुम डेजर्ट खा सकती हो। वो सोचती है, ये क्या, इसे तो जलसी भी नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी साथी रहूं, जेलस फील करवा के रहूंगी। वो उसे मैसेज करती है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के तरफ से ग्रुप डेट पर जा रही हूँ। म्यूरा सोचता है, कहीं मैंने कहा इसलिए तो नहीं जा रही है। और इधर हम देखते हैं कि वो ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले एक शॉप पर जूस पी रही होती है। और म्यूरा को मैसेज करती है कि हम लोग ग्रुप में काफी मजे कर रहे हैं, ये वो खा रहे हैं, यहाँ के लड़के काफी फनी हैं, इस तरह का मैसेज करती है ताकि म्यूरा को जेलसी हो। और वाकई इधर म्यूरा उसका ये सब मैसेज पढ़ के काफी परेशान होता है। लेकिन वो देखता है कि उसके डिपार्टमेंट की कलीग्स तो ऑफिस में ही है, तो उसे लगता है कहीं वो उस यामागाटा के साथ डेट पर तो नहीं चली गई। वो भागा भागा उसे इधर उधर खोजता है और फाइनली देखता है कि वो तो अकेले बैठकर आइसक्रीम खा रही है। वो सोचता है, अच्छा तो ये अपनी इमेजिनरी डेटिंग पर है, सीरियसली कितना क्यूट है, मेरी क्यूट से बीबी। और फिर वो टीज करने के लिए उसे मैसेज करता है कि जरा फोटो भेजो। तो अब हरुता परेशान होती है कि क्या फोटो दूं, और उसे ऐसे देखकर म्यूरा को हंसी आता है। हरुता रिप्लाई करती है, वो हम लोग भूखे थे ना तो सब खा गए, और मैं फोटो खींचने बुला गई हूँ। म्यूरा मैसेज करता है, अच्छा ठीक है, तुम इंजॉय करो और जल्दी घर आना। हरुता काफी खुश होते हुए घर जाती है, ये सोचकर कि वो घर पर उसका वेट कर रहा होगा। लेकिन ये क्या, उसने तो जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो खुद ही म्यूरा के पास जाती है तो म्यूरा एकदम ही कोल्ड पर्सन की तरह कहता है, ग्रुप डेटिंग में तो तुमने खूब मजे करे। हरुता सैड सा चेहरा बना के कहती है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तुम बस मुझे टीज करते हो, लेकिन ये सही बात नहीं है कि तुम जिसे प्यार करते हो उसे परेशान करो। तब म्यूरा उसे हक करते हुए आई लव यू कहता है, जिसे सुनकर हरुता को काफी अच्छा लगता है। और वो कहती है, एक बार और कहो ना प्लीज प्लीज। तो म्यूरा फिर से कहता है, वो सोचती है, मैं चाहती हूँ कि ये मुझे मेरे पहले नाम से बुलाए, लेकिन मुझे पता है ये बुलाने से रहा। और फिर यहाँ म्यूरा उसे रिंग पहनाता है, रोमांटिक से दोनों में किसिंग होता है। फिर म्यूरा उसे टीज करता है कि तुम्हारे मुंह से तो आइसक्रीम का सेंट आ रहा है। तो वो कहती है, हाँ लास्ट में हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाया था। म्यूरा सोचता है, मेरी बीबी वाकई कितनी क्यूट है। नेक्स्ट दिन ऑफिस में हरुता अपना रिंग दिखाते हुए म्यूरा से कहती है, देखो देखो ये कितना साइन कर रहा है। म्यूरा कहता है, जैसा है वैसा ही दिख रहा है, चलो काम पे वापस जाओ। हरुता कहती है, हाँ हाँ जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाती है अपने हाई हील्स के वजह से गिरते गिरते बचती है।
म्यूरा कहता है इतना हील पहनने का क्या जरूरत है, तो वो कहती है ताकि मेरा पैर पतला और लंबा दिखे। म्यूरा कहता है किसके लिए, तो वो कहती है तुम्हारे लिए। अब दोनों फ्लर्टिंग कर ही रहे होते हैं कि हरुता की कलीग्स उन्हें देख लेती है। वो लोग कहती है तुम दोनों के बीच क्या चक्कर चल रहा है, और यहाँ म्यूरा बचने के लिए हरुता से कहता है माफ करना हरुता, तुमने डेट के लिए प्रपोज करा पर मैं फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ऐसा कहकर वो हंसते हुए चला जाता है। उसकी कलीग्स कहती है क्या बात है, तुम तो सच में उसे लाइन मारती हो। और इधर ये सब सिनेरियो म्यूरा का फ्रेंड देखकर हंसता है। नेक्स्ट दिन घर पर हरुता अब भी गुस्साए हुए थे। म्यूरा कहता है कब तक गुस्सा के रहना है, तो वो कहती है तुम उन लोगों के सामने ये क्यों बोले कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया, ऐसा भी तो बोला जा सकता था कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे थे। तो म्यूरा कहता है वैसे मैं सब तुमसे जलने लगती, अच्छा बताओ अभी तुम क्या चाहती हो। हरुता कहती है तुम बहुत खड़ूस हो। इस तरह म्यूरा अपने बातों से उसे मना लेता है और फिर दोनों रोमांस करते हैं। हरुता सोचती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद करने लगो, और फिर दोनों अपना स्वीट सा मोमेंट स्पेंड करते हैं। अगले सीन हरुता मेकअप सेकअप लगा के तैयार हो रही होती है। म्यूरा कहता है क्या बात है आज कुछ ज्यादा ही सज संवर रही हो। तो हरुता कहती है हाँ आज मैं अपना पुराना अपार्टमेंट हैंडओवर करने जा रही हूँ ना, तो बढ़िया इम्प्रेशन जमाऊंगी तो हो सकता है डिपॉजिट अमाउंट में कुछ चेंजेस हो जाए। यहाँ म्यूरा कुछ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट दिन हरुता अपना पुराना अपार्टमेंट जाती है और सोचती है ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों पहले यहाँ रहती थी। और फिर वो यादगार के लिए अपने अपार्टमेंट का वीडियो बनाती है और सोशल साइट में अपलोड करती है। वहीं जब ये म्यूरा देखता है तो अपना बाल कटवाने छोड़कर सीधे हरुता के पास जाता है। हरुता कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बाल कटवाना था ना। तो म्यूरा वो वीडियो दिखाते हुए कहता है पहले बताओ ये क्या है। हरुता कहती है तुम देखे ये वीडियो कितना बड़ा लग रहा है ना ये रूम। तो म्यूरा कहता है आजकल तुम अपना चेहरा और रूम सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्सपोज कर रही हो, तुम्हारे फ्रेंड्स अगर तुम्हारे पुराने एड्रेस से नए एड्रेस पता कर लिए तो। हरुता हंसते हुए कहती है लगता है तुम्हें मेरा फिक्र हो रहा है। म्यूरा कहता है जिसकी बीवी क्यूट हो उसका ख्याल रखने वाला इंसान का भी फीलिंग्स को ध्यान रखना चाहिए। वो सोचती है अचानक इसे इतना प्यार क्यों आ रहा है। फिर म्यूरा उसे जमीन पर पिन करता है। हरुता कहती है क्या कर रहे हो कोई देख लेगा। तो वो कहता है तो तुम नहीं चाहती हो कि कोई देख ले। तो वो कहती है बिल्कुल नहीं। फिर म्यूरा कहता है तो फिर ये क्या है। वो कहती है हाँ तो तुम एक मिनट वेट करो मैं इसे अभी डिलीट कर देती हूँ। वो उसका बटन खोलते हुए कहता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा वेट करूँ। हरुता कहती है मैनेजमेंट कंपनी के तरफ से वे लोग आते ही होंगे। म्यूरा कहता है हाँ तो हमारे पास फिर भी 20 मिनट है। हरुता सोचती है ये मुझे इतना सताते क्यों रहता है, कितना बदमाश है, मुझे टीज करने में इसको मजा आता है सिर्फ। म्यूरा कहता है मैं रुक गया क्योंकि फ्लोर काफी हार्ड है, वैसे तुम चाहो तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो वो कहती है चुप रहो कुछ भी। फिर म्यूरा उसका बटन लगाते हुए कहता है हम लोग कभी और इसे कंटिन्यू करेंगे। हरुता सोचती है मेरा हस्बैंड कितना प्लेबॉय है, मतलबी भी है, काइंड भी है और गुड लुकिंग भी है, पर अभी भी मुझे इसके बारे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट दिन हरुता एक न्यू इनर खरीदी होती है जिसको देखकर काफी वो खुश हो रही होती है। वो पहनकर म्यूरा का वेट करती है। जब वो नहाकर निकलता है तो वो उसे हग करती है। म्यूरा सोचता है इस बार तो इसने कदम बढ़ाया और उसे कहता है अच्छा तो गुड नाइट चलो सो जाओ, और सोचता है थोड़ा तो टीज करने बनता है। हरुता पीछे से उसके टी शर्ट को खींचती है तो म्यूरा कहता है ऐसे फेस बनाकर मुझे इनवाइट कर रही हो क्या। तो वो कहती है नहीं नहीं ठंड बहुत ज्यादा है तो अलग अलग ही सो जाते हैं, वैसे भी हमारे बेडरूम तो सेपरेट ही हैं। वो कहता है इसे इनविटेशन ही बोलते हैं। फिर वो हरुता को हक करता है। वो सोचती है चलो फाइनली इसने हक तो किया। म्यूरा सोचता है जनरली ये तो इसका रिएक्शन नहीं रहता है। फिर वो स्लोली उसका इनर देखता है तो सोचता है ओ तो ये बात है, लगता है मेरे कुछ कहने का वेट कर रही है, इसलिए वो कहता है काफी अच्छा इनर है। तो हरुता कहती है हाँ मैंने बस थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करा है। वो कहता है कितना ज्यादा। तो हरुता कहती है बस 16,000 येन। म्यूरा कहता है ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं है। तो हरुता कहती है इसमें स्वारोस्की क्रिस्टल लगे हुए है ना इसलिए। म्यूरा कहता है इनर में क्रिस्टल का क्या काम। अगले दिन हरुता जल्दी ही ऑफिस के लिए निकलती है। म्यूरा उसे रोकते हुए कहता है अरे तुम्हारे ड्रेस में प्राइस टैग लगा हुआ है। तो वो हटा देता है और हरुता चली जाती है। जब म्यूरा उस ड्रेस का प्राइस देखता है तो वो इतना शॉक्ड होता है कि उसके मुंह से ब्रश गिर जाता है क्योंकि उस ड्रेस का प्राइस 23,000 था। अगले दिन ऑफिस में होरी म्यूरा से कहता है मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है।
पैसे होंगे तो शादी के बाद लाइफ मस्त चलेगा, क्या तुम भी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे? लेकिन म्यूरा के माइंड में तो कुछ और ही चलता है। वो सोचता है इनर का प्राइस 16,000, ड्रेस का प्राइस 23,000। फिर वो हरिता को देखते हुए सोचता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही पैसा उड़ाती है, पर इसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और काफी हार्ड वर्क भी करती है। आई थिंक मैं ऑलरेडी काफी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। नेक्स्ट दिन जब म्यूरा घर आता है तो देखता है हरुता ने तो और भी ढेर सारा शॉपिंग करके रखा है। वो कहता है कुछ ज्यादा ही पैसा नहीं उड़ा रही हो आजकल, जरा अपना पासबुक दिखाओ तो मैं भी अपना दिखाता हूँ। वो सोचता है कहीं इसका सेविंग जीरो तो नहीं है, पता नहीं हो भी सकता है, 2 साल तो हुए ही है इसके नौकरी के। पर जैसे ही वो उसका पासबुक देखता है तो काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसका तो सेविंग काफी था। वो बताती है कि वो कॉलेज टाइम में पार्ट टाइम जॉब करती थी, फिर कुछ टैक्सेस के काम किए, फिर कुछ ऐप के थ्रू भी पैसा सेविंग करा। मीरा उसे काफी इम्प्रेस होता है। तो हरुता कहती है कहीं तुम्हें मुझसे दोबारा प्यार तो नहीं हो गया? फिर वो कहती है अच्छा तो क्योंकि अब हम लोग शादीशुदा कपल हैं तो मैं हमारे कुछ बड़े खर्चों के बारे डिस्कस करना चाहती हूँ। मीरा सोचता है दोबारा प्यार हो गया या फिर प्यार का दूसरा साइड देखने को मिल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हरुता देखती है कि म्यूरा तो उसके उठने से पहले ही ऑफिस चला गया है। फिर वो भी अपने ऑफिस जाती है। म्यूरा उसे मैसेज करता है कि आज रात वह घर जल्दी आएगा और इसे पढ़कर वो काफी खुश होती है। वह रात में म्यूरा का वेट कर रही होती है, तभी म्यूरा का मैसेज आता है कि सॉरी बट अचानक प्लानिंग बन गया, मैं अपने फ्रेंड को लेकर घर आ रहा हूँ। हरुता सोचती है ये भी ठीक ही है, अब मैं अच्छा से डिनर रेडी करती हूँ ताकि उसके दोस्त अच्छी अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स दे। इसके बाद म्यूरा अपने दोस्त के साथ घर आता है और यहाँ म्यूरा का फ्रेंड उसके खाने का खूब तारीफ करता है। म्यूरा भी हरिता से काफी इम्प्रेस होता है कि ये मेरे लिए कितना हार्ड वर्क कर रही है। म्यूरा का फ्रेंड म्यूरा से कहता है कि तुम अपना शादी वाला बात ऑफिस में सबसे छुपा के क्यों रखे हो? तो म्यूरा कहता है वैसे मैंने सबको बताने का टाइम मिस कर दिया, लेकिन इस रिलेशन को सीक्रेट रखने पर इसके चेहरे के जो रिएक्शन होते हैं ना बड़े क्यूट होते हैं। उसका फ्रेंड कहता है देखो संभल के रहना, कहीं कोई और इसे चुरा ना ले। फिर उसका फ्रेंड चला जाता है और म्यूरा सोचता है कुछ दिन तो और सीक्रेट रखा जा ही सकता है, आफ्टर ऑल इसे टीज करने में काफी मजा आता है। नेक्स्ट दिन हरुता अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में होती है और म्यूरा को मैसेज करती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ लेकिन मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी, तो क्या तुम मुझे लेने आओगे? म्यूरा कहता है ऐसे मैसेज करोगे तो आना ही पड़ेगा। इधर उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है तुम तो म्यूरा पे चांस मार रही थी ना, बात बना? हरुता हिचकिचाते हुए कहती है नहीं बस सब नॉर्मल है। एक कोई कहती है तुम्हें पता है म्यूरा कितना परफेक्ट है, कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है, मानो कोई सपना हो, तो क्यों ना तुम उसके लिए पूरी जान लगा दो, क्योंकि बाकी सब तो कितना डरते हैं, आखिर वो इतना हैंडसम जो है। हरुता सोचती है घर पर तो सातिर बनने के लिए पूरी जान लगा ही देती हूँ। फिर एक कोई कहती है पर ऐसा लगता है जैसे उसके कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो दूसरों को नहीं बता सकता, जैसे कुछ सेक्सुअली मैटर या फिर अपने पेरेंट्स भाई बहन कुछ भी इस तरह का। हरुता सोचती है क्या सच में उसके कुछ सीक्रेट्स हैं? अगले सीन वो बार से निकलती है जहाँ म्यूरा पूछता है कैसा रहा तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी? वो कहती है हाँ ठीक रहा। तो म्यूरा कहता है क्या बात है थोड़ी अपसेट लग रही हो? तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो म्यूरा कहता है ड्राइव पे चले? और यहाँ हरुता कहती है कि हमारा शादी हो चुका है पर मैं अब भी तुम्हारे बारे कुछ नहीं जानती, मुझे पता है कुछ बातें हैं जो तुम मुझसे नहीं करना चाहते और मैं तुम पर कोई दबाव भी नहीं डालना चाहती, पर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या रीजन था जो तुम मिलते ही मुझसे शादी कर लिए। अब म्यूरा उसे बताता है कि मुझे ये बात बहुत पहले ही बता देना चाहिए, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस बात से परेशान रहोगी। एक्चुअली मेरी माँ बीमार है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन वो मेरे लिए परेशान रहती है कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊँ और इसलिए वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, तो मैंने भी उसके लिए बिना कुछ सोचे समझे जल्द ही शादी कर लिया ताकि वो टेंशन फ्री रहे। हरुता सोचती है और मैंने इसलिए शादी करा क्योंकि मैं रोज रोज के धोखे से तंग आ गई थी। वो रोने लगती है तो म्यूरा कहता है बेवजह तुम्हें रुलाने के लिए सॉरी, लेकिन इसके बाद तुम्हें प्रॉपर तरीके से अपनी माँ से मिलवाऊंगा। हरुता कहती है ठीक है। फिर दोनों घर जाने लगते हैं तो हरुता कहती है तो इसलिए तुम मिलते ही मुझसे शादी कर लिए, लेकिन ऑफिस में तुम हमारे शादी को राज क्यों रखना चाहते हो? तो म्यूरा फिर टीज करता है कि हाँ वो बस एक राज है। हरुता कहती है बताओ मुझे, तुम बहुत बुरे हो, बताते नहीं हो। म्यूरा उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है चलो घर चलते हैं। घर जाकर दोनों अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। हरुता कहती है अब मैं यहाँ हूँ तो तुम अकेले नहीं हो, समझे? म्यूरा सोचता है ऐसा लगता है जैसे इसने जादू कर दिया है मुझ पे, और हरुता सोचती है अब मैं म्यूरा के एक और स्टेप क्लोज हो गई हूँ।
नेक्स्ट सीन जहाँ हरुता म्यूरा का रूम आती है और उससे कहती है, अब से मैं तुम्हारा और भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। म्यूरा कहता है, तुम तो ऑलरेडी मेरा ख्याल रखती हो। तो हरुता कहती है, हाँ लेकिन उससे भी ज्यादा रखूंगी, ताकि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे लिए कोई फिक्र ना हो, और क्यों ना हम लोग एक शानदार कपल बन जाएं। तो म्यूरा कहता है, हाँ बिल्कुल। तो हरुता कहती है, तो फिर अब हमें अपने नाम से एक दूसरे को बुलाना चाहिए, तो तुम मुझे आमी करके बुलाओ चलो। म्यूरा कहता है, नहीं, अगर मैं भूल गया और गलती से तुम्हें ऑफिस में आमी करके बुलाया तो सबको हमारे बारे पता चल जाएगा। हरुता कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुम जानबूझकर ऐसा करते हो, है ना। वो कहता है, नहीं तो। तब हरुता कहती है, तो फिर मैं तुम्हें मनत्सु करके बुलाऊंगी। म्यूरा कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम भुलक्कड़ हो, क्या पता कभी ऑफिस में इस नाम से बुला लोगी होने से। वो कहती है, तो फिर सबको बता क्यों नहीं देते कि हम लोग शादीशुदा है। म्यूरा कहता है, गुस्सा में तुम तो और ज्यादा क्यूट लगती हो। फिर दोनों में प्यार भरा नोकझोंक होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग म्यूरा पहले ऑफिस के लिए निकलता है। हरुता देखती है कि वो अपना लंच बॉक्स ले जाने भूल गया है, तो वो उसका लंच बॉक्स ले जाती है और उसे देती है। ये देखकर म्यूरा तो शॉक्ड होता ही है, इवन सभी कलीग्स भी शॉक्ड होते हैं। वो कहता है कि ये सब क्या है। तो हरुता कहती है, तुम अपना लंच बॉक्स भूल गए थे, इसलिए मैं लंच बॉक्स के साथ साथ कुछ स्नैक्स भी लेके आई हूँ, ताकि किसी को डाउट ना हो। फिर वो सभी से कहती है कि आप लोग आपस में शेयर कर लीजिएगा। फिर वो चली जाती है। इधर होरी कहता है, हरुता इतनी क्यूट है पर अब तक से सिंगल है, आई थिंक मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर म्यूरा का चेहरा देखने को बनता है। इधर हरुता सोचते सोचते जाती है कि कितना सैड बात है कि मैं अपने ही हस्बैंड को कुछ चीज ओपनली नहीं दे सकती, लेकिन शायद म्यूरा ही नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं उसकी वाइफ हूँ। वहीं म्यूरा का फ्रेंड गुजर रहा होता है, तो वो हरुता को देखता है। वो समझ जाता है कि ये कोई बात से परेशान है। तभी चलते चलते हरुता को एक लड़की दिखती है जिसका आज इस कंपनी में फर्स्ट डे होता है और वो ऑफिस नहीं खोज पा रही होती है। हरुता उसे बताती है कि ऑफिस एक फ्लोर नीचे है। जब वो लड़की हरुता की तरफ देखती है तो हरुता सोचती है, वाओ कितनी खूबसूरत है। हरुता कहती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। वो लड़की कहती है, अरे नहीं ठीक है, तुम अपने काम में बिजी होगी। तो हरुता कहती है, हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। फिर वो लड़की बताती है कि उसका नाम मरीना है और वो सेल्स डिपार्टमेंट से है। हरुता भी उसे अपना इंट्रो देती है। मरीना कहती है, लगता है हम लोग जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे क्योंकि तुम काफी अच्छी हो। हरुता कहती है, नहीं नहीं मुझे तो लगता है कि तुम काफी अच्छी हो, ऑफ सीजन में तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब मिला है तो वाकई तुम में टैलेंट होगा। मरीना हंसते हुए कहती है, एक्चुअली मैं अपने पुराने कंपनी में भी सेल्स डिपार्टमेंट में ही काम करती थी, और वैसे भी यहाँ के सेल्स डिपार्टमेंट में कोई है जिसे मैं जानती हूँ। हरुता पूछती है, अरे वाह कौन है वो। तो मरीना बताने ही वाली होती है कि म्यूरा उन दोनों को बातें करते हुए देखता है और काफी शॉक्ड होता है और कहता है, मरीना तुम यहाँ। मरीना कहती है, अरे म्यूरा मैं तो तुम्हारे ही बारे बात कर रही थी। ये सब सुनकर हरुता और भी ज्यादा शॉक्ड होती है। म्यूरा कहता है, अच्छा तो वो न्यू एम्प्लॉय तुम ही हो। उन दोनों को इस तरह बातें करता देख हरुता सोचती है कि दोनों साथ में कितना अच्छे लग रहे हैं। और फिर यहाँ मरीना हरुता को बताती है कि दरअसल म्यूरा उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो बेचारी हरुता को और भी ज्यादा शॉक्ड लगता है। नेक्स्ट सीन वो अब तक से गुस्साए हुए होती है। म्यूरा उसे मनाने का काफी कोशिश करता है कि वो लोग तो 5 साल पहले रिलेशनशिप में थे और अब तो उसका शादी भी हो चुका है, तो तुम्हारे लिए टेंशन का कोई बात नहीं है। हरुता कहती है, तुमने उसे मरीना कहकर बुलाया था। म्यूरा कहता है, तो वो कहती है, तुमने उसे मरीना कहकर बुलाया, लेकिन अब तक से तुमने मुझे आमी कहकर नहीं बुलाया है। म्यूरा कहता है, सिर्फ इतनी सी बात से तुम गुस्सा हो। तो हरुता कहती है, तुम्हें ये इतनी सी बात लग रहा है, मुझे इस बात का डाउट नहीं है कि तुम दोनों के बीच कुछ होगा, पर तुमने उसे नाम से क्यों बुलाया। म्यूरा हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम इस बात से अब भी नाराज हो। हरुता कहती है, क्यों ना हम सबको बता दे कि हम लोग शादीशुदा हैं। तो वह कहता है, किसी को बताने या ना बताने से हमारे रिश्ते पर कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। हरुता धीरे से कहती है, शायद तुम किसी को बताना ही नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हालांकि ये बात म्यूरा सुन लेता है और उसे भी समझ आता है कि ये सच में इस बात को लेकर परेशान है। नेक्स्ट सीन ऑफिस में मरीना हरुता से मिलती है, तो उसे कल के हेल्प के लिए थैंक यू कहती है और कुछ गिफ्ट्स देते हुए कहती है, मैंने सुना है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो प्लीज मेरा छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करो। हरुता कहती है, अरे इन सब का क्या जरूरत है। फिर मरीना कहती है, मैंने सुना है कि तुम म्यूरा को पसंद करती हो। तो हरुता सोचती है, पसंद करती हूँ, वो तो मेरा हस्बैंड है। इधर मरीना कहती है, माफ करना मुझे ये पहले पता नहीं था, और क्योंकि वो मेरा एक्स है इसलिए मैं उससे फ्रेंडली ही बात कर रही थी,
पता नहीं तुम्हें कैसा लगा होगा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो सॉरी। हरुता सोचती है इसे भी इस बात का फिक्र है और वह कहती है अरे नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। तो मरीना कहती है तब तो हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। हरुता कहती है हाँ बिल्कुल। तभी उसे म्यूरा का मैसेज आता है कि आज उसे घर जाने में लेट होने वाला है, तो वह रिप्लाई में हार्ट सेंड करती है पर ये सोचते हुए डिलीट कर देती है कि अगर म्यूरा का शादी मरीना से होता तो क्या वो ऑफिस में सबको ये बात बता देता। इधर म्यूरा देखता है कि उसने कुछ मैसेज सेंड करा फिर डिलीट कर दिया। तभी म्यूरा के सामने उसका फ्रेंड आता है और कहता है आजकल पूरा शॉपिंग कर रहे हो। म्यूरा ये कहते हुए जाने लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तब उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें अब सब कुछ बता देना चाहिए, वो परेशान रहती है आजकल। तो म्यूरा कहता है तुम अगर ये मुझसे नहीं भी बोलोगे तो सब कुछ सही रहेगा। उसका दोस्त कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे। दूसरी तरफ हरुता वही मसाज करवा रही होती है। वह लड़का कहता है क्या बात है और अधिक टेंशन है। तो हरुता कहती है बिना बताए ही तुम कितना समझ जाते हो। मसाज वाला लड़का कहता है शायद तुम जैसा समझना चाहती हो वो समझता नहीं है। वह कहती है शायद। फिर वह लड़का कहता है सेम प्रॉब्लम, अक्सर हम उन्हें अपना फीलिंग्स बता नहीं पाते हैं क्योंकि हम उन्हें पसंद जो करते हैं। नेक्स्ट डे हरुता जल्दी ही ऑफिस के लिए निकलती है। म्यूरा रोकते हुए कहता है कल तुमने कुछ मैसेज सेंड करके डिलीट कर दिया क्यों। हरुता सोचती है अभी ये बताना सही नहीं है, तो वह कहती है नहीं कुछ खास नहीं तुम टेंशन मत लो। इधर ऑफिस में मरीना हरुता के पास आती है और कहती है मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में किसी से मिलवाना चाहती हूँ जो तुम्हें पसंद करता है। वैसे माफ करना ये सब बातें मैं अचानक तुमसे कर रही हूँ जबकि तुम म्यूरा को पसंद करती हो, लेकिन तुम नहीं जानती हो उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए तो हमारा ब्रेकअप हुआ। और मेरी मानो तो तुम्हें ऐसे बंदे के साथ होना चाहिए जिसका कोई फ्यूचर प्लानिंग हो। तभी म्यूरा वहाँ आता है और कहता है इस तरह हरुता को किसी दूसरे आदमी से मत मिलवाओ क्योंकि हमारा ऑलरेडी शादी हो चुका है। ये सुनकर सबके सब तो सॉफ्ट होते ही हैं, इवन हरुता तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है। मरीना कहती है तुम सच कह रहे हो। तो म्यूरा कहता है तो वाइफी इन्हें तुम सच बताओ। और फिर दोनों लेट से अपने शादी का खुलासा करने के लिए सबसे माफी मांगते हैं। हरुता सॉफ्ट होती है कि क्या क्या हो क्या रहा है, वैसे तो सभी उन्हें बिलेटेड कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। वहीं हरुता की कलीग्स भी उन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन बेचारा यामागाटा का दिल टूट जाता है। अगले सीन हरुता कहती है तुमने अचानक सबको हमारे बारे क्यों बताया। तो म्यूरा कहता है वैसे तो मैं ये प्लानिंग करके बताना चाहता था पर मरीना तुम्हें दूसरे लड़कों से मिलवाना चाहती थी तो मैंने बता दिया। फिर वो कहता है एक्चुअली तुम काफी क्यूट हो और तुम्हारे रिएक्शन और ज्यादा क्यूट होते हैं इसलिए मैं बताने में डिले करता रहा, पर तुम इस बात से इतना परेशान रहोगी इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मेरे इस गलती की भरपाई के लिए मेरे साथ घूमने चलोगी। और फिर म्यूरा उसे एक सरप्राइज देता है जिसे देखकर हरुता काफी खुश होती है। असल में ये बर्थडे सरप्राइज होता है। हरुता कहती है वाओ ऐसे सरप्राइज मुझे काफी पसंद है। म्यूरा कहता है जानता हूँ तभी तो इसका प्रिपरेशन करा। हरुता काफी खुश होती है पर अगले ही पल वो कहती है कि मेरा ये सब पसंद होना तुम्हारे लिए सही तो है ना, कहीं तुम अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करते हो, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम ये सब करने के लिए अपने आप को फोर्स करते हो, अगर मेरे जगह मरीना होती तो तुम्हें अपने आप को चेंज करना नहीं पड़ता। म्यूरा कहता है तुम क्या चाहती हो ये साफ साफ बताना तुम्हारे अच्छे क्वालिटियों में से एक है, तुम्हें खुश होता देख मुझे ये सब बार बार करने मन करता है, तुम लाइफ में पहली हो जो मुझे ऐसा फील करवा रही हो। हरुता कहती है तुम इतने अच्छे क्यों हो। तो म्यूरा कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ ये सब करना मेरे लिए अनकंफर्टेबल है बट तुम्हें ये पसंद है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। हरुता सोचती है म्यूरा को मैं जैसी हूँ वैसी ही पसंद हूँ। म्यूरा टीज करता है वैसे आजकल तुम्हारे सातीपन कम होने लगे हैं वरना अब तक से तुम हजारों सेल्फियां मुझे सेंड कर चुकी होती। तो वो कहती है मुझे लगता था मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर रही। तो म्यूरा कहता है तुम जैसी हो वैसी ही रहना आमी जान। म्यूरा के मुंह से आमी सुनकर हरुता को काफी अच्छा लगता है। फिर दोनों साथ में स्वीट सा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन 12 बजने वाले होते हैं। हरुता म्यूरा को जगाते हुए कहती है चलो ना एक किस करते हुए सेल्फी लेते हैं यादगार मोमेंट रहेगा। म्यूरा कहता है बिल्कुल नहीं। तो वो कहती है लेकिन तुमने ही तो कहा था कि मेरे प्लान्स तुम्हें अच्छे लगते हैं। तो म्यूरा कहता है इसका ये मतलब थोड़े ना कि सारे प्लान्स अच्छे हो, लेकिन फिर वो उसका चेहरा देखकर उसका ये डिमांड भी पूरा कर देता है। फिर वो कहता है जल्द ही तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हरुता के हरकत से म्यूरा कहता है आमी जान कॉन्डम खत्म हो चुका है। तो हरुता कहती है तो क्या हुआ हम लोग तो शादीशुदा हैं। वह कहता है कहीं तुम्हें बेबी तो नहीं चाहिए।
अच्छा चलो अब उठो, फ्रेश हो जाओ। हरुता कहती है, क्या म्यूरा को बेबी नहीं चाहिए? वो सोचती है, दुनिया में डिफरेंट काइंड के मैरिड कपल हैं। मैं सोचती थी कि हम भी उनके जैसे हैं, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है तो ये जरूरी नहीं कि हैप्पी एंडिंग हो। हम लोग मिल तो चुके हैं पर सफर लंबा है, क्या हम लोग साथ साथ चल पाएंगे? नेक्स्ट सीन, रुता अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, जहाँ उसकी दोनों दोस्त पूछती है कि बर्थडे कैसा रहा तुम्हारा, तो हरुता बताती है बहुत अच्छा। उसकी दोस्त कहती है, हाँ फेस से ही पता चल ही रहा है। एक दोस्त कहती है, ये वही रिंग है ना जो कुछ महीनों से तुम पहन रही हो? तो हरुता कहती है, हाँ ये म्यूरा ने दिया है, ये रिंग मेरा सब कुछ है। एक दोस्त कहती है, म्यूरा तो इतना कूल है, पता नहीं तुमने उस पर कैसे जादू किया। तो हरुता सोचती है, अब क्या ही बताऊँ कि हमारी शादी किस सिचुएशन में हुई थी। फिर एक दोस्त कहती है, नेक्स्ट वीकेंड तुम म्यूरा की मम्मी से मिलने जा रही हो ना, कैसी है उसकी मम्मी? तो हरुता कहती है, ठीक ही है, म्यूरा हमेशा उनकी तारीफ करता रहता है। और सोचती है, क्या बताऊँ मैं तो उनसे एक बार भी नहीं मिली हूँ। नेक्स्ट दिन म्यूरा हरुता से कहता है, तो कैसा रहा तुम्हारा गर्ल्स नाइट आउट? वो कहती है, बहुत अच्छा, सबने मुझे कॉन्ग्रेट्स कहा। म्यूरा कहता है, ये तो अच्छी बात है। फिर हरुता कहती है, हम लोग तुम्हारी मम्मी से मिलने जाएंगे तो मैं कुछ अच्छा सा गिफ्ट ढूंढूंगी। म्यूरा कहता है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, हमारा साथ में ये फर्स्ट मीटिंग होगा तो मैं कुछ ऐसा ढूंढूंगी जो उन्हें पसंद आए। म्यूरा कहता है, तुम्हारी यही सब बातें मुझे पसंद आती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलकर उन्हें कहूंगी कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, तो उन्हें ये जानकर अच्छा लगेगा। फिर वो बेबी वाला मैटर सोचने लगती है, क्या म्यूरा को बेबी नहीं चाहिए? तो म्यूरा कहता है, क्या बात है, क्या सोच रही हो? वो कहती है, नहीं कुछ नहीं। फिर म्यूरा उसे गुड नाइट किस देता है। नेक्स्ट दिन एक छोटी सी बच्ची हरुता को मम्मी कहके बुलाती है, तो वो कहती है, अरे बाबू तुम्हारी मम्मी कहीं चली गई है क्या? तभी उस बच्ची की मम्मी पास आती है और हरुता से डिस्टर्बेंस के लिए माफी मांगती है। हरुता सोचती है, क्या हमारा बच्चा भी म्यूरा जैसा क्यूट होगा? अगर मैं उसे किसी दिन कहूँ कि मुझे बच्चा चाहिए तो शायद वो मुझसे सच कह ना पाए कि आखिर वो क्या फील करता है या क्या चाहता है। ये सब बातें तो शादी से पहले करनी चाहिए, कितना मुश्किल है इस टॉपिक पर उसे बात करना। इस तरह की बातें हर वक्त हरुता के माइंड में चल ही रहा होता है। और यही सब सोचते सोचते वो वॉशरूम पहुँचती है, जहाँ मरीना वॉमिटिंग कर रही होती है। हरुता कहती है, तुम ठीक तो हो ना, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा ना कि तुम? तब बीच में ही मरीना कहती है, नहीं नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो बस थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मैंने दवाई ले लिया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। हरुता कहती है, सॉरी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर मैंने अचानक इस तरह कह दिया। मरीना कहती है, अरे कोई नहीं, और वैसे भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड करा है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। ये सुनकर हरुता काफी शॉक्ड होती है। तो मरीना कहती है, बच्चे बड़े करना वाकई बेस्ट फीलिंग्स है, पर हम अपने पार्टनर के साथ भी लाइफ गुजार सकते हैं, इसलिए हमने डिसाइड करा है कि हम लोग बेबी नहीं करेंगे। हरुता कहती है, ये कितनी अच्छी बात है कि इस तरह के टॉपिक पर तुम बात कर सकती हो कि तुम्हें किस तरह का जिंदगी बिताना है। मरीना जाते हुए थैंक यू कहती है कि तुमने मुझे इस मैटर पर सपोर्ट करा तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बच्चे नहीं करने के डिसीजन से मैं थोड़ा गिल्ट फील कर रही थी, पर अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। हरुता हंसती है। तो मरीना कहती है, मेरे हिसाब से शादी के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हम कैसा जिंदगी जीना चाहते हैं, और अगर तुम परेशान हो तो मैरिड कपल अपना परेशानी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हरुता सोचती है, मरीना सही कहती है, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए कि हम क्या फील करते हैं। तभी यामागाटा हरुता के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वहीं दूसरी तरफ म्यूरा का फ्रेंड म्यूरा को टीज करता है कि मैंने सुना है फाइनली तुमने सभी को बता दिया है, अब तो तुम ऑफिशियली क्यूट कपल बन सकते हो। म्यूरा कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसका फ्रेंड कहता है, मैं तुम्हारे जगह होता तो ऐसा ही करता, वैसे शादी के बाद काफी झमेले हैं तो उन्हें झेलने के लिए भी तैयार रहना। दूसरी तरफ यामागाटा कहता है, तुम इतने दिनों से म्यूरा की बीवी थी और मुझे पता भी नहीं था। हरुता कहती है, इसके लिए सॉरी कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो यामागाटा कहता है, तुम्हारा शादी मुझसे क्यों नहीं हुआ, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन हरुता यहाँ उससे कहती है कि आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती, अफकोर्स मेरे कुछ परेशानियाँ हैं पर मैं उन्हें म्यूरा के साथ मिलकर सॉल्व करना चाहती हूँ। और अब यामागाटा वहाँ से चला जाता है। हरुता सोचती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आज ही म्यूरा को सब कुछ बता दूंगी। नेक्स्ट दिन वो घर में रिहर्सल कर रही होती है कि किस तरह वो म्यूरा से बात स्टार्ट करेगी, और उसी टाइम पीछे से म्यूरा भी बिना आवाज के पहुंचता है। वो हरुता का रिहर्सल देखकर मजे लेता है, फिर दबे पांव पीछे जाता है और कहता है, हाँ। हरुता उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है, तुम कब से यहाँ हो? तो म्यूरा कहता है, तुम्हारे स्टार्टिंग रिहर्सल से लेकर लास्ट तक के रिहर्सल तक। हरुता सोचती है,
अरे कितना एम्बैरेसिंग है ये। तो म्यूरा कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे? तो वो कहती है, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तो म्यूरा कहता है, वैसे तुम ये खाते खाते मुझे बता सकती हो। हरुता कहती है, ये तो बहुत फेमस डिश है ना। तो म्यूरा कहता है, कल रात से तुम थोड़ी अपसेट लग रही थी ना। तब हरुता उसे हक करती है। म्यूरा कहता है, ये किस लिए स्वीटी पाई? तो वो कहती है, कुछ नहीं बस प्यार आ गया। अगले दिन वो कहती है, तुम सच बताओ तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना? अचानक ऐसे सवाल सुनकर म्यूरा शॉक्ड होता है। तो वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे फिर भी प्यार करूंगी चाहे तुम जैसा फील करते हो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे एक दिन तुम्हारे साथ बच्चा चाहिए और ये मैं सच में ऐसा फील करती हूँ। लेकिन डोंट वरी, तुम अपना फीलिंग बताओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तब म्यूरा कहता है कि मैं भी यही फील करता हूँ कि मैं भी किसी दिन तुम्हारे साथ बच्चा करना चाहूँगा। ये सुनकर हरुता कहती है, लेकिन उस दिन तो तुम कह रहे थे। तब म्यूरा कहता है, अच्छा वो उसका ये मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैंने वैसे इसलिए कहा था कि अगर तुम अभी प्रेग्नेंट होती हो तो तुम्हें काम से छुट्टी लेना पड़ेगा। हरुता कहती है, ओ तो तुम्हारा ये मतलब था, मैं तो कुछ और ही समझी थी। म्यूरा उसे कहता है, हमें मिलकर डिस्कस करना होगा और टाइमिंग का डिसाइड करना होगा। और तुम कह रही थी ना कि तुम्हें अभी बिना ब्रेक लिए काम करना है। तब हरुता कहती है, तुम ये सब सोच के वैसा बोले थे? तो म्यूरा कहता है कि बच्चे किसी एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सबसे ज़्यादा बर्डन तो माँ को ही झेलना पड़ता है। फिर वह कहता है, ये बात ज़रूरी है, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती तुम हो। हरुता काफ़ी खुश होती है, वो सोचती है कि मैं खुश हूँ कि हमने इस बारे बात कर ली, अब हम किसी भी परेशानी को साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। म्यूरा कहता है, अभी तुम्हें जो कहना था वो कह दिया ना, इसके बाद कुछ भी मन में हो तो उसे दबा के नहीं रखना, सब बताना ताकि हम लोग साथ मिलकर सोच सके, फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। नेक्स्ट दिन दोनों मम्मी से मिलने जाने वाले होते हैं। हरुता अपना हेयर कर्लिंग आयरन ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होती है और इधर म्यूरा ये अपने पास छुपाया होता है ताकि उसे परेशान कर सके। अगले दिन म्यूरा हरुता के साथ अपने होम टाउन पहुँचता है। हरुता कहती है, यहाँ हम लोग ढेर सारा फोटो क्लिक करेंगे ठीक ना? फिर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मेरा हाथ पकड़ कर चलोगे? अब म्यूरा तो टीज करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है, इसलिए हरुता कहती है, हमें अपने मैरिड स्टेटस को छुपाने के लिए इस तरह कभी साथ साथ चलने का मौका नहीं मिला, इसलिए यहाँ मेरा हाथ पकड़ कर चलो। म्यूरा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, इस तरह पकड़ो तो अच्छा लगता है। और फिर दोनों हंसते हुए जाने लगते हैं। फिर दोनों अपना घर पहुँचते हैं, जहाँ हरुता म्यूरा की मम्मी को देख कर सोचती है, वाओ तो ये म्यूरा की मम्मी है। हरुता उसकी मम्मी को अपना इंट्रो देती है। म्यूरा की मम्मी म्यूरा से कहती है, तुम्हारी वाइफ तो वाकई काफ़ी क्यूट है। अंदर जाकर हरुता म्यूरा की मम्मी से कहती है, म्यूरा ने कहा था आपको स्वीट्स पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए स्वीट्स लेके आई हूँ। उसकी मम्मी उसे थैंक यू कहती है। म्यूरा उसकी मम्मी से कहता है कि आपको अच्छा देखकर अच्छा लगा। तो उसकी मम्मी कहती है, जब मैंने सुना कि तुमने अचानक शादी कर लिया है तो मुझे लगा कि कहीं मेरे वजह से तुमने जल्दबाजी तो नहीं किया। तो म्यूरा कहता है, ये सच है कि मैंने आपको रिश्योर करने के लिए तुरंत शादी करा, पर अब मैं हरुता के साथ खुश हूँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मैं पूरी लाइफ इसके साथ स्पेंड कर सकता हूँ। ये पहली ऐसी लड़की है जिसके बारे में ऐसा सोचता हूँ, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ये सुनकर हरुता को काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी मम्मी कहती है, तुमने बहुत अच्छी लड़की को पसंद किया है, मैं काफ़ी खुश हूँ। फिर हरुता म्यूरा की मम्मी से कहती है कि मैं भी म्यूरा के साथ शादी करके काफ़ी खुश हूँ, थैंक यू जो आपने इसे जन्म दिया। मम्मी जी कहती है, मेरे बेटे का इसी तरह केयर करना। और फिर उन दोनों का आपस में सास बहु का प्यार देखकर म्यूरा का रिएक्शन काफ़ी फनी वाला होता है। नेक्स्ट दिन दोनों होम टाउन में काफ़ी इंजॉय करते हैं। वे बीच जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, साथ में खाते हैं, टेम्पल जाते हैं, पार्क जाते हैं और खूब सारा इंजॉय करते हैं। अपने घर लौटने के बाद हरुता कहती है, देखो तो हमने कितना सारा फोटो खींचा है। म्यूरा कहता है, अपने होम टाउन में घूमकर मज़ा आया। तो हरुता कहती है, हाँ क्योंकि वहाँ मैं जो थी। फिर म्यूरा कहता है, अगले बार हमें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहिए। हरुता कहती है, तो नेक्स्ट वीकेंड चले, मैं तो वहाँ जाकर अपनी मम्मी को ये रिंग दिखाकर काफ़ी शो ऑफ करने वाली हूँ। फिर दोनों रोमांस करते हैं। हरुता कहती है, थैंक यू मेरे हबी बनने के लिए। म्यूरा भी कहता है, सेम योर वाइफी। फिर दोनों अपना नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट दिन वो मसाज वाला लड़का कहता है, लगता है तुमने अपने परेशानियों को सॉल्व कर लिया है। तो हरुता कहती है, अरे तुम ये फिर से बता सकते हो? तो वो हंसते हुए कहता है, हाँ। वह कहती है, तुम सब कुछ ऐसे कैसे जान लेते हो? मसाज वाला लड़का कहता है, तुम्हारा बॉडी ऑनेस्ट है इसलिए दिल की सारी परेशानियां बाहर ले आता है। फिर वो हरुता के पास बैठता है और उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है। हरुता शॉक्ड होती है कि शिट, यामागाटा के बाद अब ये भी। तभी वो लड़का कहता है, तुम जो रिंग हमेशा पहने रहती हो वो कहाँ है?
रुता हैरान होकर सोचती है, अरे रिंग कहाँ चला गया। वो सोचती है और परेशान होती है कि ऐसे कैसे गुम हो गया, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन, हाँ वे दोनों अब हरुता के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। हरुता अब भी उस रिंग के लिए परेशान थी। म्यूरा उसे कहता है कितना सुंदर घर है, तो हरुता कहती है अच्छा लेकिन मेरे पेरेंट्स तो काफी कंजूस हैं। और सोचती है अगर म्यूरा को ये पता चला कि मैंने रिंग घुमा दिया है तो क्या वो मुझसे नफरत करने लगेगा। फिर दोनों अंदर जाते हैं। घर में हरुता की मम्मी और उसकी सिस्टर होती है। म्यूरा हरुता की मम्मी को कुछ गिफ्ट देता है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। जब दोनों अंदर जाते हैं तो हरुता उसे हग करती है। वह कहता है क्या कर रही हो, अभी तुम्हारे पेरेंट्स के घर में है। और तभी उसकी सिस्टर दोनों को उस पोज में फोटो लेती है। इसके बाद सभी डिनर करते हैं। हरुता यहाँ भी सोचती है कि पता नहीं रिंग कहाँ खो गई। तभी हरुता की मम्मी म्यूरा को एक डिश देते हुए कहती है म्यूरा तुम्हें सॉक्राउट पसंद है राइट। हरुता कहती है ये क्या कर रही हो। मम्मी जी कहती है ओ सॉरी ये तो तुम्हारे एक्स को पसंद था। फिर कहती है अरे कहीं जोर से तो नहीं बोल दिया, वैसे ये दोनों 5 सालों तक साथ थे। म्यूरा बीच में कहता है खाना काफी टेस्टी बना है। हरुता सोचती है थैंक गॉड ये माइंड नहीं कर रहा। तब उसकी सिस्टर कहती है म्यूरा तुम्हारा बॉडी तो काफी फिट है, स्पोर्ट्स खेलते हो क्या। तो वो कहता है हाँ थोड़ा बहुत बेसबॉल खेलता हूँ। तब मम्मी जी कहती है तुम भी बेसबॉल खेलते हो। हरुता सोचती है तुम भी। और इधर उसकी मम्मी कह जाती है इसके एक्स को भी बेसबॉल खेलना पसंद था, हाँ थोड़ा वो बदमाश था लेकिन तुम काफी मैच्योर लगते हो। हरुता की सिस्टर कहती है मम्मी आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। तब म्यूरा कहता है नहीं कोई बात नहीं, उसके और हरुता के पास्ट के कारण ही तो मैं हरुता से मिल पाया। नेक्स्ट दिन हरुता कहती है देखा तुमने हमारा वेडिंग फोटो वॉल पर लगा था। तो वह कहता है हाँ। तो हरुता कहती है वो मैं दोबारा से फोटो सेशन करवाना चाहती हूँ क्योंकि उस वक्त तो हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे ना, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि हम लोग रियल हस्बैंड वाइफ लगे। वो कहता है ठीक है। तो फिर वो कहती है कि तुम इसे इग्नोर करने वाले हो है ना। फिर म्यूरा एक जगह कार को रोकता है। हरुता सोचती है ये रूट तो फेमस लव होटल का एरिया है। म्यूरा कहता है लगता है तुम यहाँ पहले भी आई हो। फिर वो गाड़ी होटल के अंदर घुसाता है। वो सोचती है ओ नो ये तो अंदर जा रहा है, सिट इसने तो पार्क भी कर दिया, ये सब क्या हो रहा है। तब म्यूरा उसे कहता है यहाँ अपने एक्स के साथ आती थी ना। हरुता कहती है नहीं नहीं मैं होटल के अंदर कभी नहीं आई, मैं तो बस ड्राइविंग सीखने इस रूट पर आया करती थी। वह कहता है अच्छा 5 साल साथ में थे आते ही होंगे। तो हरुता कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, अगर यही क्वेश्चन मैं तुमसे करूँ कि क्या मरीना के साथ तुम यहाँ आते थे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। वो सब हमारा पास्ट है और अब हमें साथ में 50 साल गुजारने हैं, 5 साल तो नहीं। तब म्यूरा कहता है हाँ तुम सही कर रही हो। फिर वो सॉरी कहता है लेकिन फिर सैड सा चेहरा बनाकर कहता है फिर भी तो तुम लोग 5 साल साथ में थे और वो तुम्हारे फैमिली से भी मिला है, ये सोच के थोड़ा बुरा लग रहा है। हरुता कहती है कितने क्यूट हो तुम। वह कहता है चलो घर चलते हैं। वह कहती है क्या हम लोग यहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो वह कहता है ऐसे कहोगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और फिर उसे किस करता है और कहता है अंदर चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं तो म्यूरा उससे पूछता है आजकल कुछ दिनों से तुम परेशान हो। तो वह कहती है पहले बोलो कि तुम उसे नफरत नहीं करोगे। तो वह कहता है इतना जरूरी बात है। फिर वह कहती है हाँ वो एक्चुअली जो तुमने रिंग दिया था वो कहीं खो गया है। तो म्यूरा उसे बेड में पिन करते हुए कहता है बस इतनी सी बात। हरुता कहती है पर वो रिंग बहुत कीमती है, आखिर तुमने जो दिया था। लेकिन म्यूरा तो मूड में ही रहता है, वो कहता है वो सब छोड़ो और पहले क्या तुम मेरा घड़ी उतारोगी। तो वो उसका घड़ी उतार के रख देती है। फिर वो कहता है आज रहने दो, आज तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तो हरुता उसे कहती है नहीं ऐसा नहीं है। और फिर दोनों कंटिन्यू करते हैं। हरुता सोचती है मैंने सोचा था कि हम भी एक रियल मैरिड कपल की तरह बन जाएंगे, पर क्या यही वो फीलिंग्स होती है। नेक्स्ट दिन ऑफिस में छुट्टी होने पर म्यूरा हरुता के पास आता है और कहता है चलो घर चलते हैं। और फिर उसे एक ज्वेलरी शॉप ले जाता है और ढेर सारे रिंग्स के कलेक्शन दिखवाता है और कहता है जो पसंद आए ले लो। लेकिन हरुता कहती है पर तुमने जो सबसे पहले दी थी वही अच्छी थी। तो म्यूरा कहता है अपने आप को रोको मत, वैसे भी क्रिसमस आने वाला है। तो हरुता उस दुकानदार से कहती है आज बस हम देखने आए हैं, किसी और दिन खरीदने आएंगे। और अगले दिन वो ये सोचते हुए जो रिंग को ढूंढ रही होती है कि ऐसा कोई जगह ना बचा हो जहाँ मैंने ढूंढा ना हो। तभी म्यूरा उसके पास आता है और कहता है ऐसा नहीं है कि वो रिंग काफी कीमती थी, पर इस बार मैं तुम्हें एक ढंग की रिंग देना चाहता हूँ। तो वो कहती है लेकिन मेरे लिए वो रिंग सबसे ज्यादा कीमती थी और मैं उसे तब तक ढूंढती रहूंगी जब तक पा ना जाऊं। म्यूरा कहता है ठीक है फिर मैं अपने बेड में जा रहा हूँ। हरुता सोचती है ओ नो ये मैं क्या कर रही हूँ, सब इतना उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वह देखती है कि म्यूरा घर से निकल चुका है।
तभी उसके फोन पर म्यूरा का मैसेज आता है कि मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रहा हूँ। हल्दा सोचती है ये अचानक मम्मी से मिलने क्यों जा रहा है, कहीं सच में मुझसे नफरत तो नहीं करने लग गया। अगले दिन वो ऑफिस में उस रिंग को ढूंढती है, हर जगह अपने डेस्क पर, वॉशरूम में, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछती है कि कहीं किसी को कोई रिंग तो नहीं मिला है। फिर वो उस मसाज वाले लड़के के पास भी जाती है जहाँ वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए दोबारा उस रिंग को यहाँ ढूंढा था पर मुझे नहीं मिला। हल्दा कहती है अच्छा तो तुमने ढूंढा था। तब वो लड़का कहता है एक कपल के लिए वो रिंग काफी स्पेशल होता है, कुछ दिन पहले ही रिंग के वजह से मेरा भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहस हुआ था, तो आई होप कि तुम्हें तुम्हारी रिंग जल्दी मिल जाए। हल्दा सोचती है मैं बेवकूफ हूँ जो उस रिंग के बारे ही सोच रही हूँ, इस वक्त मुझे उस रिंग की नहीं बल्कि म्यूरा के फीलिंग्स की फिक्र होनी चाहिए। नेक्स्ट दिन वो ढेर सारे डिशेस एंड क्रिसमस डेकोरेट करती है। जब म्यूरा घर आता है तो ये देखकर काफी खुश होता है। दोनों साथ में एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, जहाँ हरुता कहती है सॉरी तुम मेरे बारे सोच रहे थे और मैं उस रिंग को लेकर परेशान थी, तो म्यूरा कहता है मुझे भी लगा था मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझता हूँ पर ऐसा नहीं था, उसके लिए सॉरी। हरुता कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, गलती तो सारी मेरी ही है। और फिर तब म्यूरा उसे एक और रिंग दिखाते हुए कहता है इसे पहनोगी ना, ये मेरी दादी ने मेरी मम्मी को दिया था। हरुता कहती है तो क्या तुम इसे लेने घर गए थे, लेकिन इसे पहनना सही रहेगा, ये तो काफ़ी कीमती लग रहा है। तो म्यूरा कहता है कीमती है तभी तो तुम्हें पहनाना चाहता हूँ, और फिर वो रिंग उसे पहनाता है। हरुता काफ़ी खुश होती है। म्यूरा कहता है इसके अलावा एक और क्रिसमस प्रेजेंट है तुम्हारे लिए, तुमने कहा था ना तुम्हें एक और फोटो सेशन चाहिए था, तो इस सैटरडे फ्री रहना। ये सुनकर हरुता और भी ज़्यादा खुश होती है। यहाँ म्यूरा उनका वेडिंग फोटो दिखाते हुए कहता है पता है जब हम लोग ये फोटो शूट करवा रहे थे तब मेरा फेस ऑलरेडी कह रहा था कि मुझे आमी जान से प्यार हो गया है। फिर वो कहता है याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे, और सीन फ्लैशबैक में जाता है जब डेटिंग ऐप के थ्रू उनका फर्स्ट मुलाकात होता है। यहाँ हरुता बैठी हुई म्यूरा का वेट करती है, उसका चेहरा बता रहा था कि वह कितना अपसेट है। तभी म्यूरा वहाँ पहुँचता है और कन्फर्म होता है कि आज तुम ही हरुता हो। म्यूरा के स्मार्टनेस को देख कर हरुता देखते ही रह जाती है। फिर म्यूरा उसे आगे का प्लानिंग बताता है और दोनों अपनी मर्जी से अपने एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। म्यूरा उसे पूछता भी है क्या तुम श्योर हो इस शादी से, तो हरुता कहती है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू होता है। हालांकि म्यूरा उसे कंफर्ट फील कराने का कोशिश करता है। हरुता सोचती है कि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये कम्फर्ट फील करा रहा है। और फिर वही एपिसोड 1 वाला फोटो सेशन हो रहा होता है। म्यूरा सोचता है हम लोग आज मिले हैं और आज ये शादी कर रहे हैं, ऑफकोर्स ये थोड़ा ऑकवर्ड है लेकिन सीरियसली ये कितनी क्यूट है, बॉयफ्रेंड मिलने में टाइम नहीं लगेगा। और तभी फोटोग्राफर कहता है दुल्हन को फोरहेड किस करें। म्यूरा सोचता है ओ वाओ किस भी करना है, अरे नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। फिर हरुता से कहता है मैं किस करने को प्रिटेंड करता हूँ, बट प्रिटेंड उटेंड कुछ होता नहीं है, वो बस फोरहेड किस दे देता है। दोनों हंसते हैं और वो सोचता है हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही है, शादी होने के बाद भी अब मुझे इसके मन में प्यार जगाना होगा। और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आता है और यहाँ म्यूरा कहता है अब धीरे धीरे हम जैसा कपल बनना चाहते हैं वैसा बनेंगे। फिर जब म्यूरा उसका एप्रन उतारता है तो उस एप्रन से वो रिंग नीचे गिरता है। हरुता अपना पुराना रिंग देखकर काफी खुश होती है और म्यूरा से कहती है इसे भी पहना दो प्लीज। म्यूरा कहता है पहना तो दूंगा लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम हो जाए उसके बाद। नेक्स्ट दिन वे फिर से अपना वेडिंग फोटो सेशन करते हैं। म्यूरा उसे कहता है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, तो हरुता कहती है तुम भी काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो। फिर म्यूरा कहता है तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है, और हरुता ये देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड होती है कि उसके ऑफिस के कलीग्स उनके फोटो सेशन में आए हैं। सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। एक कोई कहती है यामागाटा को भी कहा था पर वो आया नहीं। फिर उसकी एक दोस्त अपना रिंग दिखाते हुए कहती है तुमने जिस डेटिंग ऐप का रिकमेंड किया था मैंने उसे ट्राई किया, तो हरुता कहती है कौन है वो, नेक्स्ट टाइम मुझे मिलवाना। तो उसकी फ्रेंड कहती है मैंने उसे यहाँ बुलाया है और ये वही मसाज वाला लड़का था। इसके बाद फोटोग्राफर उनका फ़ोटो लेता है। म्यूरा सोचता है इससे पहले जब फोटो सेशन हुआ था तब इसके चेहरे में इतना सातिरपन तो नहीं था जितना आज झलक रहा है। और फिर ग्रुप में भी फोटोशूट होता है, तब यामागाटा भी आता है। म्यूरा के फेस से लगता है कि अगर यामागाटा ने कुछ उल्टा फुल्टा कहा तो बस पिटा ही जाना है, लेकिन वह तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। हरुता सोचती है प्यार हो उसके बाद शादी हो ये ज़रूरी नहीं है, हमने अपना शादीशुदा लाइफ औरों से अलग स्टार्ट करा, पर इसमें कोई हर्ज नहीं कि प्यार शादी के बाद हो। और इसी के साथ हमारा ये रोमांटिक सा सीरीज़ का यही द हैप्पी एंडिंग होता है। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसे ही सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।